खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे घर में तीन तीन बेटियां है, चिंता तो होगी ना, ऊपर से सबका पढ़ाई का खर्चा। देवता कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अब देवता कहाँ क्या करते हैं हमें थोड़ी पता है। तुम ये क्या बोल रहे हो? पूर्णिमा, ये लो तुम्हारे फेवरेट चानाचूर। चानाचूर गरम, चानाचूर गरम। निशा दी अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठो ना। बताओ कैसे आना हुआ? निशा दी, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? हमारा लोन का काम हो गया है। आपकी मदद के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम आपको थैंक यू बोलकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते। बस मिलने के लिए चले आए। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुम लोगों की कुछ काम आ सकी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निशा दी, आपके कहने पर हमने हमारे आत्म सहायक गुट के लिए पशुधन योजना की तहत अर्ज की थी। कल ही जिला अधिकारी इसे हमारे नाम पे लेटर आया था। हमें 50,000 रुपए सैंक्शन हो गए हैं। अच्छा? हाँ। निशा दी, हमें आपसे और एक बात करनी थी। हाँ कहो। हम सब चाहते हैं कि आप हमारे गुट के एडवाइजर बन जाए। निशा दी, वैसे तो आप हमें हमेशा सलाह मशवरा देती आई है, इसलिए आप हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑफिशियली एडवाइजर बन जाए। देखो, मैं तो हमेशा से तुम लोगों के साथ हूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ऑफिशियल एडवाइजर बनना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज निशा दी, हम बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, आप निराश मत कीजिए। प्लीज निशा दी, मना मत कीजिए। ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। ठीक है? हाँ ठीक है। भाभी, आप? हाँ मैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? ओ, मैं बाजार गया था। नहीं, दोस्तों के साथ गया। नहीं, मैं बाजार। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? और ये सामान? असल में बात ये है कि आज मुझे पुराने काम के कुछ पैसे मिल गए। अच्छा? हाँ, पूर्णिमा भी बहुत दिन से शिकायत कर रही थी कि वो पुराने कपड़े ही पहन रही है।
इसलिए आज पैसे मिले तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ कपड़े खरीद के लेके जाऊं। पता नहीं फिर कब पेमेंट मिले, इसलिए आज 2-3 जोड़ा ज्यादा ही लेके आ गया। अच्छा अच्छा भाभी, मैं अंदर जाके मुंह हाथ धो लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। पूर्णिमा, अरे वाह, तुमने तो पूरा दुकान उठा लाया। हाँ, मैंने तुम्हारे पसंद के सारे कपड़े ले आए, ये देखो। हाँ वो देखो। अच्छा, ये सब लाते वक्त किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ देखा ना, वो भाभी ने देखा मुझे। कर दिया ना करबर, एक काम भी ठीक तरह से नहीं कर सकते तुम। मैं क्या करूं, भाभी बाहर ही खड़ी थी तो छुपा कर नहीं ला सकते थे? इतने सारे पैकेट मैं कहां छुपाता? अरे कुछ देर बाहर रुक जाते, खुद को छुपा लेते, भाभी की अंदर जाने का इंतजार करते। मैंने सोचा ही नहीं। कैसे सोचोगे, सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है। भाभी क्या सोचेंगे, कहां से लाए इतना सारा पैसा, शक करेंगे हमारे ऊपर। मुझे ना गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। अब क्या होगा? अब क्या होगा, भाभी अगर पूछेगी तो मुझे बहाना बनाना पड़ेगा। ये नए नए बहाना बनाते बनाते मैं थक गई हूं, ये सब तुम्हारी वजह से। सॉरी। घर के अंदर आने से पहले तुम्हें देख लेना चाहिए था, कोई है क्या। अब सॉरी बोल के क्या फायदा, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगली बार शॉपिंग करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, कितना प्लानिंग करके पैसा निकाला था, सब चौपट कर दिया। मैंने पूरा दिन बाजार में घूम घूम कर तुम्हारे पसंद के कपड़े ढूंढ ढूंढ कर लाया और तुम मुझे डांट रही हो। तुम काम ही ऐसा करते हो डांटने वाले। अच्छा दिखाओ क्या लाए। तुम खुद ही देख लो ना, ये देखो। क्या बात है मालती, बड़े गुस्से में हो। आपको बोल के क्या फायदा, आप तो कुछ समझते ही नहीं है। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद मांगने वाला कितना सही है वो भी तो देखना चाहिए। मालती अब घुमा फिरा के बातें मत करो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माना गिरीश आपका भाई है, लेकिन वो आपको झूठ बोलकर वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मुझे पता है, पर गिरीश जैसा भी है मेरा छोटा भाई है। माना कि हम दोनों एक माँ से नहीं है, लेकिन है तो अपना ही खून ना। मैं मानता हूं कि गिरीश ने पहले जो कुछ भी किया है सब गलत था, उसकी वजह से हमारी जायदाद का बंटवारा हो गया। हमारे बुरे वक्त में मुझसे झगड़ा करके हमारा साथ छोड़ के चला गया। मालती तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, पर मालती मैं ये मानता हूं कि इंसान बदल भी सकता है। देखो मैंने गिरीश की आंखों में गलती का पछतावा देखा है, उसे एक आखिरी मौका देकर देखते हैं ना, शायद उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आए। प्लीज मालती मेरी खातिर एक आखिरी मौका दे दो, सोचना।
चीनी, पत्ती। इधर हो गई। ये क्या है? ये मसाला है, ये तेल का कुछ, हाँ ये रिच। पत्ती, चाय पत्ती तो ये रही, हाँ यही तो है, यही है। ठीक है, कड़क चाय है मेरे हाथ की। छन्नी, कपड़ा ये रहा। मालती, शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे वाह, शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा, और इसलिए आज मुझे चाय मिली है। अरे आज क्या, तुम कहो तो रोज तुम्हारे लिए चाय बना दिया करूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ घर का काम करना, तुम ही ने मुझे आलसी बना दिया। अच्छा, तो मैंने आपको आलसी बना दिया। और क्या, आप पहले से ही बहुत आलसी है। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, कल से सुबह की चाय हम दोनों के लिए मैं ही बनाया करूंगा। रहने दीजिए मास्टर जी, आपने कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। देखते देखते कितना वक्त बीत गया मालती, पता ही नहीं चला। नहीं, हाँ सही। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं क्या करता, ये घर, मेरा ये स्कूल, मैं सब कैसे कर पाता। ऐसी बात नहीं है मास्टर जी। नहीं मालती, नहीं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। हाँ ये चाय तो पियो। हाँ, पियो पियो, देखो बताओ कैसी बनी है। कैसी है? बहुत अच्छी। हाँ, तो कल से मैं रोज चाय बनाया करूंगा। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी ना, मैं बना लूंगी। हाँ, तो अच्छा तुम बनाना, ठीक है। क्या हुआ माँ? तो ऑफिस के लिए तैयार हो गया है ना, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, खा के जाना। और तुम ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, कॉलेज नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, मैं रेडी होने के लिए जाती हूँ। भैया तुम संभाल लो। माँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? क्यों, क्या हुआ? मुझे रिया ने बताया कि तुम और देवता लड़ाई कर रहे थे। अरे वो बात, वो तो तेरे देवता का रोज रोज का ड्रामा है। माँ मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं बेटा, मैं किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। आज थोड़ी देर हो गई थी तो मैं जल्दी जल्दी मेरा काम कर रही थी, तभी तुम्हारे देवता आके बोलने लगा, क्या पका रहे हो, रोज रोज यही खाना खा खा के मैं बोर हो गया हूँ, आज कुछ अलग बनाओ। फिर क्या, मैंने बोला आज यही खा लो, और सबके पसंद का खाना बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने बोला देखो, अगर किसी को अपने पसंद का खाना बनाना है तो खुद का एक किचन बना ले और पका के खा ले। देवता,
25 साल कितना ज्यादा होता है ना। आधी जिंदगी समझ लो बेटा। आधी जिंदगी भी और सिल्वर जुबली भी। आज आपकी शादी की सिल्वर जुबली है। हाँ है तो। प्रत्युष ने मुझे एक आइडिया दिया है, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपको बोलने की, इसलिए मैं ही चली आई। ऐसा क्या आइडिया है? आज आप हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए लेके चलिए ना प्लीज। डिनर? हाँ, और वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से कहीं गए नहीं है ना, इसलिए। बेटा तुझे पता है मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता है। अरे मतलब आप लेके नहीं जाओगे हमें? अरे एक बंद कमरे में बैठने में क्या मजा आएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, कल मैं तुम सबको कहीं घुमाने ले चलता हूँ। वाओ कहाँ? कहाँ, चांडू भी कैसा रहेगा? वाओ चांदू भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं सबको बोल के आती हूँ। मुझे नया मॉड्यूलर किचन चाहिए, ईंट सीमेंट जो भी हो उसका रेट बताओ, कितना चाहिए वो मुझे भी नहीं पता, मैं लिस्ट भेज रहा हूँ, सारे का सारा सामान भेज दो और आज ही। द्योता ये क्या बचपन है आप लोगों का। तू अपनी माँ की ही साइड लेगा, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता थी, इस घर में मेरी कोई सुने तब ना। तुझे पढ़ा लिखा कर इसीलिए इतना बड़ा किया कि तू अपनी माँ को ही सही माने, मेरा तो जैसे इस घर में कोई वजूद ही नहीं है। द्योता आप सही हो या माँ गलत है मुझे इस बारे में विचार नहीं करना है, ये आप लोगों का आपस का मामला है और आप लोग ही इसको निपटाओ, मैं सिर्फ आपको नाश्ते के लिए बुलाने आया हूँ, चलो नाश्ता करते हैं। तू जा, मैं तेरी माँ के किचन का बना हुआ कुछ नहीं खाने वाला, मेरा थोड़ी देर में मिस्त्री आएगा, वो मेरा किचन बनाएगा, मेरा अपना किचन जहां मैं अपनी मन पसंद का खाना बनाऊंगा। और हाँ, तुझे भी कुछ स्पेशल चाहिए तो बोल देना, मैं खाना पकाने से नहीं डरता और वैसे भी मैंने शादी से पहले बहुत खाना पकाया हुआ है। द्योता आज मिस्त्री आएगा, फिर ईंट सीमेंट पत्थर लाएगा, फिर वो किचन बनाएगा, फिर आप खाना बनाओगे, तब तक भूखे रहोगे क्या? भूखा क्यों रहूंगा, मैं बाहर जाके खाना खा लूंगा लेकिन तेरी माँ के किचन का नहीं। अब दिन में कितनी बार चाय पीते हो, अब बाहर से कितनी बार चाय पियोगे? अच्छा द्योता हमने काम करते हैं, जब तक नया किचन नहीं बन जाता हम इसी किचन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक और आप खाना बनाना, एक और माँ खाना बनाएगी, और जब नया किचन बन जाएगा आप नया किचन ले लेना, अब खुश हो ना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसा कैसे होगा, मैं क्यों तेरी माँ के साथ एक ही किचन में अलग अलग से खाना पकाऊंगा, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, सभी हमारा मजाक उड़ाएंगे। द्योता दो दो किचन होगा तब भी तो लोगों को पता चलेगा ना, तब भी तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। अरे फिर मेरे मन पसंद के खाने का क्या होगा। अच्छा तू एक काम, तू शादी कर, शादी करके जब तू बहू ले आएगा ना तो वो मेरी पसंद का खाना बनाएगी। द्योता पंडाल खोलकर सारा सामान गोडाउन में रख देना, और खोलते वक्त ध्यान रखना माल खराब नहीं होना चाहिए। ओके बॉस। और देखो पार्टी से मैंने 50% ले रखा हुआ है, ठीक है, और बाकी का 50% लेकर आना, ठीक है, जाओ भागो, वापस मत आना बिना पैसे लिए, जाओ। महेश तू भी ना फोन पर भी बात बता सकता था ना, यहाँ क्यों बुला लिया? बेटा खुशखबरी ना ऐसे नहीं बोली जाती, धीरे धीरे हल्लू हल्लू सुनाई जाती है, समझे? तब से एक ही बात को बार बार बोल रहा है, इतना भी सस्पेंस मत रख कि बाद में तेरी बात सुनने से पहले मैं बोर हो जाऊं। बोर तो नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, उल्टा खुशी से तू ना झुमरू की तरह झूमने लगेगा, समझा? अब बोल भी दे यार। अच्छा तो सुन, निशा का मुझे कॉल आया था दोपहर में। तो उसमें कौन सी नई बात है और खुशी देने वाली बात है? अरे बात को पूरा सुन तो ले। हाँ बोल। निशा और उसकी फैमिली कल चांदू भी घूमने के लिए जा रहे हैं। उसने मुझे कॉल किया था गाड़ी के अरेंजमेंट के लिए, मैंने गाड़ी का अरेंजमेंट करके भी दिया है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, तू भी अपनी फैमिली को लेकर चांदू भी पहुंच जा। लेकिन अरे यार बात को समझा कर, तुम लोगों को ये दिखाना कि तुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि वो लोग भी चांदू भी घूमने जा रहे हैं। आइडिया तो अच्छा है, माँ और द्योता भी खुश हो जाएंगे, और वैसे भी ना बहुत दिनों से उन्हें कहीं घुमाने नहीं लेके गया मैं। अच्छी बात है, लेकिन ये मैं तुझे सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि तू निशा से अपने दिल की बात कर सके, वैसे भी ऐसी जगहों पर लोगों का मन रोमांटिक हो जाता है, समझा?
ये मौका हाथ से जाने मत देना। नहीं, इस बार कोई गलती नहीं होगी। और सुन, निशा को यह बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह सब कुछ मैंने तुझको बताया है। सब कुछ लगना चाहिए जैसे इत्तफाक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। बेस्ट ऑफ लक मेरे चीते। थैंक यू। बस भी करो ना पूर्णिमा, और कितने कपड़े मुझ पे ट्राई करोगी? कुछ भी पहन लो, तुम पे हर रंग हर डिजाइन अच्छे लगते हैं। बस करो। और दो तीन कपड़ा है उसे भी मैं देख लेती हूँ। वैसे जल्दबाजी में जो मैंने फैसला लिया शादी का, उसकी वजह से मैं आज भी पछता रही हूँ। अब कोई भी फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं करूंगी, खास तौर पर तो कपड़ों के मामलों में। और वैसे मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? जैसे कहती हूँ वैसे खड़े रहो। वैसे पता है कल हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? हाँ पता है ना, कल भैया और भाभी की 25वीं सालगिरह है, और भैया इस अवसर में हम सबको चांदूबी लेक घुमाने ले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्ञान है भैया के बारे में। हाँ, हमारी सालगिरह कब है? हाँ, मुझे यही पता था। तुम्हारा शक्ल देख के ही मुझे अपना जवाब मिल गया। तुमसे और मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? तुम्हें याद है तो बताओ ना, इस बार हम भी कहीं घूमने जाएंगे। कैसे भूल सकती हूँ मैं अपने जिंदगी की सबसे मनोज दिन, जिस दिन से तूने मेरी अच्छी खासी जिंदगी उजाड़ दी। अब रहने दो, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। कैसे अपनी बीवी को खुश रखते हैं, अपनी बीवी की खुशी के लिए कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग, तुमने तो आज तक मेरे लिए एक चबन ने भी खर्च नहीं किया। अब रहने दो, ये सब बातें करके मेरा दिमाग मत चाटो। तुम्हें कपड़े कौन लाके देता है? कॉस्मेटिक्स कहां से आते हैं? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें इतना भी अकल नहीं है? मेरे ही आइडिया से अपने भैया से पैसे लेकर मेरे लिए सामान लाते हो। मूड ही खराब कर दिया तुमने, कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे। बस सुबह ही देखेंगे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कपड़े समेटो। दीदा देखो ना, समझाओ प्रत्युष को। कल वो अपनी साइकिल अपने साथ लेके जाना चाहता है। हम ऑलरेडी 9 लोग हैं और ऊपर से ये अपने साइकिल लेके जाएगा, ऐसे कैसे होगा? प्रत्युष, लड़कियां तो तेरी खूबसूरती से जलेगी, और लड़के आशिक बनके तेरे आगे पीछे घूमेंगे। शादी की सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद बेटा। क्या पिकनिक के लिए आए हो आप लोग? जी सर। ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियां उसमें है थोड़ी गम। न जा